बहुत ज़्यादा अब तो रीसेंट दौर की मिसालें हैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को दुनिया दी, इल्म दिया, बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, उन लोगों का क्या हाल हुआ है। जैसे सोहराब बाईसाइकिल का मालिक एक मिसाल है कि उसकी लाश लेने को कोई तैयार नहीं था। हॉस्पिटल के अंदर 3 शादियां थी, 10-12 बच्चे थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ कि उसकी तदफीन के लिए कोई बच्चा आगे नहीं आया। दुनिया कम थी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ना उसके पास थे, लेकिन दीन का फहम क्यों नहीं था, क्योंकि उसके बच्चों में नहीं था, तो वो मैं कहता हूँ रुसवाई का बायस बना है। उसके मगफरत के लिए ना कोई दुआ करने वाला था, ना उसके लिए कोई जो है कोई उसकी लाश रिसीव करने नहीं, वाला लाश भी छोड़ दे। मैं कहता हूँ कि मौत के बाद वालदैन के लिए मगफरत की दुआ करने वाला कोई ना हो तो ये कैसी बदनसीबी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दीन से दूरी की वजह बनी है इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं। फिर आजकल जो आजकल का दौर है, आप का मेरा ख्याल है कभी जिंदगी के अंदर शायद ओल्ड एज होम्स में जाना हुआ है या नहीं हुआ, मेरी एक दो बार जो है वो मैं वहाँ पे गया हूँ और मैंने वहाँ पे सर्वे किया। तो जो ओल्ड एज होम्स में जो लोग बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे जिनके बच्चे को छोड़े गए हुए हैं, उनका क्या, वो सारे क्वालिफाइड है, सुपर क्वालिफाइड है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्मी में सर्व करता है। वो कहते हैं यार हमने अपने बच्चों को दुनिया दी और वो कहते हैं यार काश हम अपने बच्चों को दीन का इलम भी दे देते, अगर दीन सिखा देते तो ये हमारे बच्चे हमारी बुढ़ापे में खिदमत भी करते, हमारे नाज नखरे भी उठाते और हमारे मरने के बाद हमारे लिए कोई दुआ करने वाला भी होता। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को दीन दुनिया जितनी मर्जी दे दो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जहाँ मर्जी इनको तालीम याफ्ता तालीम दे दो, जहाँ जो उनसी मर्जी लिटरेचर पढ़ा दो, जब तक इनको दीन नहीं दोगे तो ये बच्चा आपका समझे। एक बात याद आई, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, तो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है ना, एज पर डेफिनेशन, एजुकेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ कल्चर एंड योर वैल्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन। एग्जैक्टली, मैं अक्सर पेरेंट्स कहता हूँ अगर आपका बच्चा आईवी लीग चला गया किसी यूनिवर्सिटी में और वो पीएचडी भी करके आ गया ना, लेकिन हिज कल्चर इज लॉस्ट, इस वैल्यू के तो मेरे नजदीक वो अनपढ़ और कोई उसने आपका सदका जारी नहीं बनना है, बल्कि सेल्फिशनेस एंड मुमकिन है सेल्फिशनेस जो है वो बाहर आ गया अगर वैल्यूज नहीं।